दोस्तों आज फाइनली बात करते हैं द डच बीस्ट रोली विंटलर के बारे में। ये जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करा और किस तरह से आज वो IFBB के एक बहुत बड़े और जाने माने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर माने जाते हैं। कई लोग आप में से उनके फैंस होंगे, तो आज पूरी उनकी लाइफ के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में, और यही आज इस वीडियो का टॉपिक। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं आज रोली विंटलर की लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत। रोली विंटलर का अगर मैं आपको पूरा नाम बताऊं तो थोड़ा अलग टाइप का और काफ़ी लंबा नाम है। तो उनका पूरा नाम है एगबर्टन रियोलव इटाइनी विंटलर, पर इनका निकनेम रोली रखा गया और विंटलर इनका सरनेम, तो इसलिए रोली विंटलर इनका नाम हो गया। जन्म इनका हुआ था 22 जून 1977 में नीदरलैंड के एक आइलैंड में जिसका नाम है क्रूसाओ। तो क्रूसाओ नामक एक आइलैंड में रोली विंटलर पैदा हुए थे और वीक इनकी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन थी। अनफॉर्चुनेटली 4 या 5 साल के रहे होंगे रोली जब उनके फादर की एक बाइक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो रोली विंटलर समेत कुल मिलाकर उनके 4 भाई बहन हैं। तो उनकी मदर थी और फाइनेंशियल कंडीशन उनकी वीक थी, तो ज़्यादा बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए उनकी पूरी फैमिली माइग्रेट कर गई क्रूसाओ से नीदरलैंड की एक दूसरी सिटी में, क्योंकि क्रूसाओ एक आइलैंड था और ज़्यादा वहाँ पर कुछ था नहीं। तो रोली विंटलर की, अब मैं बता रहा हूँ, उनकी मदर के ऊपर पूरी फैमिली को चलाने का बोझ आ गया था, पूरी जिम्मेदारी उनकी मदर पे आ गई थी। तो रोली विंटलर बचपन से ही काफ़ी एथलेटिक थे और कई तरह के स्पोर्ट्स वो खेला करते थे। उनकी अच्छी खासी दिलचस्पी जिमनास्टिक में थी और जिमनास्टिक करा करते थे रोली, और हम लोग आज भी जानते हैं कि जब रोली विंटलर पोजिंग करते हैं तो उनकी पोजिंग के अंदर वो बैकफ्लिप लेते हैं, तो वो चीज़ आज भी उनकी पोजिंग में नज़र आती है। तो जिमनास्टिक करा करते थे वो, दूसरे स्पोर्ट्स खेला करते थे वो। रोली बताते हैं कि वो सॉकर में भी काफ़ी अच्छे थे, और इतने अच्छे थे कि सॉकर की जो प्रोफेशनल टीम थी वहाँ पर नीदरलैंड के अंदर, उसके अंदर उनका सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर रोली विंटलर की एंकल्स में इंजरीज हो गई जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाए, और रेस्ट लेने के अलावा कोई और उनके आगे ऑप्शन रहा नहीं। तो सॉकर को भी एक तरह से उन्होंने क्विट कर रखा था और रोली विंटलर अभी कुछ नहीं कर रहे थे। उस समय पर रोली के एक फ्रेंड थे जो कि सॉकर खेला करते थे और वो बॉडी बिल्डिंग भी करा करते थे, तो उन्होंने रोली विंटलर को सलाह दी कि तुम जिम चलो और एक हफ्ते मेरे साथ जिम करो, क्योंकि वो जो उनका फ्रेंड था वो 2 साल से जिम कर रहा था, और उन्होंने रोली को कहा कि तुम भी मेरे साथ जिम करोगे, एक हफ्ते करके देखो। रोली विंटलर ने साफ मना कर दिया और रोली ने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोस्त ने जोर दिया, फिर रोली ने मना कर दिया दोस्त के, लेकिन फिर भी कहने पर रोली विंटलर मान गए और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, एक हफ्ते मैं जिम कर लेता हूँ। रोली ने ऑलमोस्ट 2 हफ्ते तक जिम करा और 2 हफ्ते बाद जो रिजल्ट्स थे वो चौंका देने वाले थे। हुआ ये कि जो उनका दोस्त 2 साल से लगातार वर्कआउट करा था, 2 हफ्ते में रोली विंटलर ने उससे ज़्यादा बेहतर अपनी फिजीक करके दिखा दी थी, ज़्यादा ग्रोथ आ चुकी थी रोली विंटलर के अंदर। मतलब इतने अच्छे उनके जेनेटिक्स थे, नॉर्मली वो खा पी रहे थे और 2 हफ्ते की सिर्फ ट्रेनिंग के अंदर अंदर वो अपने दोस्त से ज़्यादा अच्छे दिखने लग गए थे। रोली की इस एनॉर्मस ग्रोथ को देखते हुए हुआ ये कि जिम का जो ओनर था उसकी नज़र रोली पर पड़ गई और उन्होंने रोली को एक ऑफ़र दिया। ऑफ़र ये था कि अगर तुम मेरे लिए कम्पीट करोगे लोकल बॉडी बिल्डिंग शो में, तो उसके बदले में तुम्हें लाइफ टाइम फ्री जिम मेंबरशिप मिलेगी, साथ ही साथ तुम्हारे खाने पीने का, सप्लीमेंट्स का सारा खर्चा मैं उठाऊँगा। ये ऑफ़र मिला था रोली विंटलर को। तो दोस्तों कमाल की बात है कि बाहर इतना ज़्यादा सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इंडिया में तो हम लोग अभी तक सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा कि अगर कोई बॉडी बिल्डर करना चाहे, इतना सपोर्ट इंडिया में मेरे हिसाब से पॉसिबल है ही नहीं। और यही कुछ हुआ था दोस्तों रोनी कोलमैन के साथ में, जब रोनी कोलमैन ने ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी तो इसी लालच में करी थी क्योंकि उनको फ्री मेंबरशिप ऑफर करी थी ब्रायन डॉब्सन, जो उनके दोस्त थे और मेट्रोफ्लेक्स जिम के ओनर थे उस टाइम पर। तो उन्होंने रोनी कोलमैन को फ्री मेंबरशिप ऑफर करी थी, फ्री उनका सप्लीमेंट का सारा खर्चा उठाने का उन्होंने कहा था। इस वजह से रोनी कोलमैन ने भी जिम स्टार्ट करा और रोनी कोलमैन आज दुनिया के सबसे बड़े बॉडी बिल्डिंग लेजेंड माने जाते हैं। खैर यहाँ पर हम बात करते हैं रोली विंटलर की। तो रोली विंटलर के साथ भी यही हुआ, फ्री मेंबरशिप उनको मिली पर रोली विंटलर ने इस ऑफर को साफ ठुकरा दिया, मना कर दिया उन्होंने। जिम के ओनर ने कहा तुम फिर भी एक बार सोच लो, पर रोली ने फिर भी मना कर दिया। पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं रोली विंटलर की जो दोस्तों फिजिक थी वो ग्रो कर रही थी और इस चीज़ को हर कोई नोटिस कर रहा था, खुद रोली भी। और इसी के कारण रोली ने फैसला करा अपने आप को ट्रेन करने का, ट्रेनिंग कंटिन्यू रखने का। अभी तक उनकी ट्रेनिंग फ्री में चल रही थी, सब कुछ उनका फ्री में चल रहा था, और वो दोस्तों एक ऐसा जिम था जहाँ पर कि नीदरलैंड के बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर्स ट्रेन करने के लिए आया करते थे। हुआ यह कि 3 महीने तक रोली विंटलर ने ट्रेनिंग करी उस जिम में, और 3 महीने बाद उन्होंने फाइनली डिसाइड करा कि वो अब कम्पीट करेंगे, और एक लोकल शो में रोली विंटलर उतर गए कम्पीट करने के लिए, और अपने उस पहले शो को जीतने में कामयाब रहे रोली विंटलर। बहुत बड़ी बात थी, उनके जेनेटिक्स इतने अच्छे थे, वो ज़्यादा कुछ हार्ड ट्रेनिंग नहीं करते थे, ज़्यादा हार्ड डाइट फॉलो नहीं करते थे, इनफैक्ट उनको डाइट वगैरह के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था।
तो रोली विंकलर फिर भी इजीली उस शो को जीत गए। और उसके बाद उन्होंने कई सारे और शोज़ जीते, अपने लोकल शोज़ जितने भी वहाँ पर हुआ करते, सारे वो शोज़ जीतते चले गए। और बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के साथ में, नीदरलैंड के, उनके साथ में वो ट्रेनिंग करा करते थे उस जिम के अंदर। फिर उसके बाद रोली ने एक शो खेला जिसका नाम था यूरोपा चैम्पियनशिप, और उसके लिए सिर्फ उन्होंने एक हफ्ते की ट्रेनिंग करी थी, एक हफ्ते की डाइट फॉलो करी थी, और उस शो को भी वो जीतने में कामयाब रही थी। इसके बाद आता है 2005 का ईयर, और उससे पहले मैं आपको बताऊँ, रोली विंकलर के जो भाई हैं, क्विंसी विंकलर उनका नाम है, ये दोनों बॉडी बिल्डर्स हैं और दोनों भाई हैं, दोनों साथ साथ कम्पीट करते थे। क्विंसी ने हालांकि रोली से ज़्यादा शोज़ में कम्पीट कर रखा है, और रोली विंकलर और क्विंसी विंकलर दोनों गए 2005 के IFBB वर्ल्ड एमेचर चैंपियनशिप के अंदर। एमेचर बॉडी बिल्डर्स जो भी होते हैं वो उसमें कम्पीट कर सकते हैं, और जो जीतेगा उसको प्रो कार्ड मिलेगा। तो ये शो पहले हुआ करता था, उस समय पर डेनिस वॉल्फ खेल रहे थे उस शो के अंदर, और वो शो हो रहा था दोस्तों शंघाई चाइना के अंदर। उस शो में दोनों गए बॉडी बिल्डर्स, और डेनिस वॉल्फ को जानते थे रोली विंकलर, तो रोली विंकलर ने उनके साथ में फ़ोटोज़ वगैरह ली। डेनिस वॉल्फ हालांकि उस शो को जीतने में कामयाब रहे, काफ़ी अच्छी उनकी फिजिक थी, और डेनिस वॉल्फ 2005 में बन गए थे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। पर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रोली विंकलर की, जो सारे अच्छे अच्छे शोज़ अपने आगे जीत रहे थे नीदरलैंड के, इस शो के अंदर रोली विंकलर प्लेस भी नहीं हो पाए, उनकी कोई पोजीशन आई नहीं। डेफिनेटली इससे रोली विंकलर को बहुत बुरा फील हुआ और काफ़ी मायूस हो गए, टूट गए वो, क्योंकि वो इतने अच्छे नहीं थे कि इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के बीच में कम्पीट कर पाए, तो डेफिनेटली वहाँ से प्रो कार्ड मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसके कुछ महीनों बाद, यानी कि बात आती है 20 दिसंबर 2005 की, एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई रोली विंकलर की लाइफ में। हुआ ये कि 2005 में दिसंबर में उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया, और काफ़ी ख़तरनाक कार एक्सीडेंट था, इतना ख़तरनाक था कि उनकी आंखें भी उसकी वजह से जा सकती थी। रोली विंकलर की बॉडी में कई जगह पर इंजरीज हो गई, काफ़ी फैटल कार एक्सीडेंट था, ऑलमोस्ट उनकी जान जा सकती थी उसकी वजह से, पर रोली विंकलर बच गए। इसकी वजह से 1.5-2 साल तक रोली विंकलर कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ रिकवर करा उन्होंने और हील्ड अप हुए। इस वजह से दोस्तों क्या हुआ कि रोली विंकलर, जिनका कंपटीशन वेट उस समय पर 95 kg हुआ करता था 2005 तक, गिर के उनका वेट सीधा हो गया 70 किलो। 70 किलो के रोली विंकलर, मानेंगे आप। इसके बाद बात आती है 2007 की, 4 जनवरी का टाइम था, जिस दिन रोली विंकलर के एक आइलैंड में, वो कुरुसाओ जो उनका आइलैंड था, उसके अंदर पार्टी हो रही थी। और उस पार्टी में कोई बॉडी बिल्डर था या कोई शख्स था जिसने कि रोली विंकलर की फिजिक के ऊपर कमेंट करा, क्योंकि वहाँ पर लोग जानते थे कि वो पहले कैसे दिखा करते थे और अब कैसे हो गए थे। तो उस बॉडी बिल्डर ने कुछ उनको चिढ़ाया, तो रोली विंकलर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए और उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया। रोली ने उसको कहा कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं दोबारा बॉडी बिल्डिंग शुरू करूंगा। और जैसे कि उस टाइम पर 4 जनवरी की शायद बात थी वो, और अप्रैल में होने वाला था डच चैम्पियनशिप, तो रोली विंकलर ने उस बॉडी बिल्डर को डच चैम्पियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया। अब चैलेंज उन्होंने कर दिया, तो इस वजह से रोली ने दोबारा बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि रोली विंकलर उस टाइम तक 70 किलो के थे, सिर्फ 4 महीनों के अंदर अंदर उन्होंने 40 किलो अपना वज़न बढ़ा लिया था उस कंपटीशन के लिए। 40 किलो वज़न उन्होंने अपना बढ़ा लिया था। और दोस्तों ये बात कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई इतना ज़्यादा अपना वज़न लेके चला जाए, और ये बात खुद रोली विंकलर ने बताई है। डेफिनेटली रोली विंकलर उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डर तो थे नहीं, तो इसलिए उन्होंने कोई प्योर मसल मास तो गेन नहीं करा था, उसके साथ में उन्होंने फैट भी गेन किया था। तो रोली विंकलर नीदरलैंड के वहीं कोई ट्रेनर था, उससे मिलने के लिए गए, और रोली ने उनसे पूछा फैट रिड्यूस करने के लिए क्या करा जाए। तो उस ट्रेनर ने कहा कि तुम्हें कार्डियो करनी पड़ेगी। अब रोली ने कार्डियो का नाम पहले कभी नहीं सुना था, उन्होंने कभी लाइफ में अपनी कार्डियो ही नहीं करी थी, 2007 से पहले उनको कार्डियो के बारे में ही कुछ नहीं मालूम था। उस ट्रेनर ने कहा कि तुम्हें सुबह खाली पेट 4-5 बजे कार्डियो करनी पड़ेगी उठ करके। रोली ने फिर मना कर दिया कि मैं कैसे करूँगा। लेकिन फिर भी रोली विंकलर के अंदर एक जुनून तो था, पैशन था, उन्होंने एक चैलेंज दे रखा था अपने कॉम्पिटिटर को। इस वजह से रोली ने कार्डियो करनी स्टार्ट कर दी, और उसकी वजह से बहुत अच्छी उनकी फिजिक दिखनी शुरू हो गई, उनकी मसल्स दिखने लग गई, उनका फैट कम होने लग गया, बॉडी फैट परसेंटेज उनका गिर गया। और फिर आया अप्रैल, और अप्रैल में किसी एक दिन, यानी जिस दिन डच चैम्पियनशिप खेला गया, रोली विंकलर उतरे स्टेज पर, और एक तरफा दोस्तों उन्होंने सारे बॉडी बिल्डर्स को बीट कर दिया था। इससे हुआ यह कि रोली विंकलर पूरे नीदरलैंड में हर जगह पर फेमस हो गए, और इस वजह से रोली विंकलर के पास अब चांस था कि वो आर्नोल्ड एमेच्योर के अंदर कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो शो था डायरेक्टली आर्नोल्ड एमेच्योर के लिए क्वालिफाई करवाता था, और जो आर्नोल्ड एमेच्योर में जीतेगा उसको प्रो कार्ड मिलेगा। तो रोली विंकलर के पास उस टाइम पर एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि उनको प्रो कार्ड मिल सकता था, वो जा सकते थे आर्नोल्ड एमेच्योर खेलने के लिए। इनफैक्ट जो IFBB के कुछ लोग होते हैं इंटरनली, उन्होंने रोली को कॉन्टैक्ट करा था प्रो कार्ड फिक्स करने के लिए, उनको प्रो कार्ड मिल सकता था 2007 में, पर रोली ने ऑफर को साफ ठुकरा दिया। रोली ने कहा कि अगर मैं अभी प्रो कार्ड लेकर के प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन जाता हूँ, प्रोफेशनल स्टेज पर उतरता हूँ IFBB की, वहाँ पर मैं कैसे टिक पाऊँगा बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के बीच में, वहाँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, अभी मेरी फिजिक इस लेवल पर ही नहीं है।
रोली ने उस ऑफर को साफ ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मेरे को अपनी फिजिक को और ग्रो करना है। उन्होंने खुद को और 2 साल का टाइम दिया और फिर आता है दोस्तों 2009 का ईयर। मैं आपको बताऊं, उस टाइम पर रोली विंकलार को जब अपनी फिजिक को और ग्रो करना था, उसके लिए रोली ने कॉन्टैक्ट करा कई सारे डिफरेंट लोगों से, बॉडी बिल्डर से, और ये पूछा कि नीदरलैंड में बेस्ट ट्रेनर कौन है। तो नीदरलैंड में बेस्ट ट्रेनर उस टाइम पे थी ग्रैंडमा, जो कि सारे बॉडी बिल्डर्स को ट्रेन करा करती थी, ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स को ट्रेन करा करती थी। तो वो खुद एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर रह चुकी थी, फीमेल प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर रह चुकी थी। उनका नाम था सिबिल पीटर्स। तो रोली विंकलार फाइनली ग्रैंडमा से जाकर मिले तो वो उनकी ट्रेनर बन गई थी ऑलमोस्ट 2008 से, और 2012 तक उन्होंने रोली को ट्रेन करा। तो फिर आता है दोस्तों 2009 का ईयर और रोली विंकलार ऑलरेडी क्वालिफाइड थे आर्नोल्ड एमेच्योर को खेलने के लिए, तो वो उतर गए आर्नोल्ड एमेच्योर शो खेलने के लिए और उस शो को रोली विंकलार ने आखिरकार अपनी मुट्ठी में कर ही लिया और वो जीत गए थे। इस वजह से आर्नोल्ड खुद आए थे रोली विंकलार को प्रो कार्ड देने के लिए और रोली विंकलार 2009 में जा करके बन गए थे IFBB के प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, और इसका मतलब ये था कि अब वो IFBB के प्रोफेशनल शोज में कम्पीट कर सकते थे। तो फिर क्या था, 2010 का ईयर आता है और 2010 में रोली विंकलार उतर गए अपने सबसे पहले प्रोफेशनल शो को खेलने के लिए, जो था फिर से आर्नोल्ड क्लासिक। और उस शो के अंदर रोली विंकलार की 7th पोजीशन आई। रोली काफ़ी मायूस हो गए थे उस पोजीशन के आने से, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। वो इतने नाराज़ हो गए थे कि काई ग्रीन और जे कटलर ने इस चीज़ को नोटिस करा। काई ग्रीन, मैं आपको बताऊँ, उस साल जीत गए थे 2010 में, और काय और जे दोनों रोली विंकलार के पास आए और कहा कि तुम इतने मायूस क्यों हो। रोली ने कहा मेरी 7th पोजीशन आई है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है अभी तक रोली विंकलार अपनी लाइफ के ज़्यादातर कॉम्पिटिशन जीतते आए थे और इस कॉम्पिटिशन में वो 7th आ रहे थे, तो इसलिए वो नाखुश थे। काय और जे ने रोली से ये कहा कि जब हम लोग प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स बने थे और हमने अपना प्रो शो खेला था, तो हम लोग तो इस लेवल पर भी नहीं थे। हम लोगों ने कोई छोटे मोटे शोज खेले थे और हम लोग इससे भी और बेकार पोजीशन लेकर आए थे। तो तुम तो ऑलरेडी इतना बड़ा शो खेल के चल रहे हो आर्नोल्ड क्लासिक, ये तुम्हारा पहला प्रो शो और तुम 7th पोजीशन अगर ला रहे हो, तो तुम में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल और तुम काफ़ी कुछ आगे जाकर कर सकते हो। तो डेफिनेटली रोली को वहाँ से एक अच्छी मोटिवेशन मिली। अब रोली को क्वालिफाई करना था मिस्टर ओलंपिया के लिए, तो आर्नोल्ड क्लासिक से तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाए ओलंपिया के लिए, क्योंकि वो 7th आए थे। तो उसके बाद नेक्स्ट शो आ रहा था ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। दोस्तों मैं आपको बताऊं, तब तक आर्नोल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट नहीं हुआ था, तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ करता था और उसको भी करवाते थे टोनी डर्डी, जो कि अभी आर्नोल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया को करवाते हैं, उसके ऑर्गेनाइजर है। तो टोनी उस शो को भी करवाते थे ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को। रोली ने सोचा कि इस शो को खेला जाए और वो एक ओलंपिया क्वालिफायर शो था, उसको जीतते तो डायरेक्टली ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर जाते या फिर top 3 कॉन्टेंडर्स भी क्वालिफाई कर जाते हैं। समस्या ये थी कि अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की टिकट महंगी थी और रोली उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो टोनी ने रोली से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए टिकट करवा दूंगा, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम चले जाओ। पर समस्या एक और ये भी थी कि उनके साथ में जो उनकी ट्रेनर थी यानी कि ग्रैंडमा, वो भी तो उनके साथ जाती। तो टोनी ने कहा कि ठीक है, मैं उनकी भी टिकट तुम्हारे साथ करा दूंगा। तो टिकट दोनों की हो गई, दोनों जाने के लिए तैयार हो गए। फिर आती है एक और प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम ये थी कि ये मालूम पड़ा डेक्स्टर जैक्सन और काई ग्रीन दोनों जा रहे हैं उस शो को खेलने के लिए। रोली विंकलार परेशान हो गए, उन्होंने सोचा कि इतने बड़े बॉडी बिल्डर्स के बीच में मैं कैसे टिक पाऊंगा, और इस शो को जीतना उनके लिए बहुत ज़रूरी था अगर वो ओलंपिया में जाना चाहते थे। बहुत ज़्यादा वो एनजाइटी में चले गए और परेशान होने लग गए। ग्रैंडमा से उन्होंने कहा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करवाओ, मुझे 3-4 बार दिन में ट्रेन करवाओ, मुझे अपनी फिजिक को ग्रो करना है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए वो। तो ग्रैंडमा ने उनसे कहा कि इतने कम समय में कुछ नहीं हो सकता, जैसे तुम हो वैसे ही दिखोगे। तो रोली विंकलार फिर भी जिस तरह भी कर सकते दोनों ने करा और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए उस शो को खेलने के लिए। दोस्तों मैं आपको बताऊं, शो में 1st आए थे काय ग्रीन, 2nd पे थे डेक्स्टर जैक्सन और 3rd आए रोली विंकलार। तो बहुत बड़ी बात थी, रोली विंकलार इतने बड़े बॉडी बिल्डर्स के बाद प्लेस हो रहे थे और 3rd प्लेस आ गए उनकी ओलंपिया के लिए, वो क्वालिफाई कर गए, एक बहुत बड़ी बात थी। पर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर रोली विंकलार इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं थे, वो चाहते थे कोई ना कोई प्रोफेशनल शो जीत करके ओलंपिया में जाना। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट शो था न्यूयॉर्क प्रो, और न्यूयॉर्क रोली विंकलार इससे पहले कभी नहीं गए, तो न्यूयॉर्क चले गए फिर वो उस शो को खेलने के लिए। वहाँ रोली ने रियलाइज़ करा कि काफ़ी लोग उनको ऑलरेडी जानते हैं, उनकी काफ़ी अच्छी पॉपुलैरिटी है वहाँ पे न्यूयॉर्क में। तो रोली विंकलार ने उस शो को खेला और उस शो को वो जीतने में कामयाब रहे। तो रोली विंकलार ऑलरेडी क्वालिफाइड थे ओलंपिया के लिए, पर इस शो को जीत करके उन्होंने अंदर से अपना सेटिस्फैक्शन एक तरह से अचीव करा। और फिर क्या था, 2010 में रोली विंकलार उतर गए ओलंपिया स्टेज पर और 14th पोजीशन वो लेकर के आए। तो दोस्तों 14th पोजीशन एक ठीक ठाक पोजीशन है, कई सारे बॉडी बिल्डर्स की इसी तरह से स्टार्टिंग हुई है ओलंपिया के अंदर, अपनी जर्नी इसी तरह से उन्होंने स्टार्ट करी है। तो रोली भी 14th आए। तो ये हो गया 2010 का ईयर। फिर आता है 2011 का ईयर। दोस्तों वो साल कुछ ज़्यादा अच्छा साबित हुआ नहीं रोली की लाइफ में, रोली एक भी शो नहीं जीत पाए, एक भी प्रोफेशनल शो वो नहीं जीत पाए थे 2011 में। इस वजह से ये हुआ कि वो ओलंपिया के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो 2011 का ओलंपिया रोली ने नहीं खेला।
फिर आता है दोस्तों 2012 का ईयर, तो उस साल उन्होंने सिर्फ एक ही शो जीता था जो था नॉर्डिक प्रो, लेकिन उस साल उन्होंने कई सारे और शोज में कम्पीट करा, जैसे कि आर्नोल्ड क्लासिक यूरोप थर्ड आए, शेरू क्लासिक फोर्थ आए, डेलेस यूरोपा शो उसमें फोर्थ आए, टैम्पा प्रो उसमें फोर्थ आए, तो फोर्थ फिफ्थ पोजीशन उनकी आती रही और मेरे हिसाब से वो पॉइंट स्टैंडिंग के थ्रू गए होंगे ओलंपिया 2012 में, तो चले गए थे 2012 के ओलंपिया में उन्होंने कम्पीट करा और 12th पोजीशन रोली लेकर के आए थे। तो दोस्तों 2012 का ओलंपिया लास्ट वो शो था जिसमें कि ग्रैंड मा ने रोली विंकलर को ट्रेन करा था, उसके बाद से रोली विंकलर और ग्रैंड मा का कुछ ज़्यादा अच्छा तालमेल बैठ नहीं पाया और ये दोनों अलग हो गए। रोली को खुद को ज़्यादा ग्रो करना था, ज़्यादा बेहतर दिखना था उनको और ज़्यादा आगे बढ़ना था, उसके लिए ज़रूरी था कि वो और उसी तरह से अप्रोच करें बॉडी बिल्डिंग को ताकि ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स वो अचीव कर पाएँ। तो ग्रैंड मा से उनका साथ यहाँ पर छूट गया रोली विंकलर का। तो 2013 में रोली विंकलर बताते हैं कि उन्होंने किसी के अंडर ट्रेनिंग नहीं ली, जो भी उन्होंने करा खुद के एक्सपीरियंस से जो उन्होंने पास्ट में सीखा है अपने आप से उन्होंने सब कुछ करा और खुद से अकेले उन्होंने कम्पीट करा था 2013 में, और वो बताते हैं कि उनको ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिले थे 2013 के अंदर। तो उस साल उन्होंने शिकागो प्रो खेला जो कि फर्स्ट आए जिसमें कि रोली विंकलर, और उसके वजह से वो क्वालिफाई कर गए थे ओलंपिया के लिए। तो ओलंपिया में जब रोली उतरे 2013 में तो 7th पोजीशन वो लेकर के आए, तो 7th पोजीशन उनकी लाइफ की अभी तक की बेस्ट पोजीशन थी और रोली से काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो खुद से कर रहे थे, जो भी कुछ कर रहे थे वो खुद से कर रहे थे और 7th पोजीशन उनकी लाइफ में एक सबसे बड़ी अचीवमेंट थी मिस्टर ओलंपिया की, अभी तक की उनकी सबसे अच्छी पोजीशन यही थी। फिर आता है 2014 का ईयर और 2014 में रोली ने और दूसरे शोज़ खेले, थर्ड फोर्थ उनकी पोजीशन आती गई। हुआ ये कि आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में उनको कम्पीट करना था ताकि वो ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर पाए 2014 के ओलंपिया के लिए, पर उससे कुछ हफ्तों पहले रोली विंकलर का बाइक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो को नहीं खेल पाए, पर फिर भी उन्होंने शिकागो प्रो जीत लिया और शिकागो प्रो जीतने का मतलब ओलंपिया में क्वालिफिकेशन। 2014 के ओलंपिया में रोली विंकलर उतरे और 12th पोजीशन वो लेकर के आए। उस साल उन्होंने और भी शोज़ खेले, दुबई प्रो, इविल्स प्रैग प्रो, सैन मैरिनो प्रो, तो ऐसी थर्ड फोर्थ उनकी पोजीशन आने लग गई। 2014 में ही क्वैट से रोली विंकलर को फ़ोन आया और वहाँ के लोगों ने रोली को कॉन्टैक्ट करा, कहा कि तुम हमारे पास आओ ट्रेनिंग करने के लिए, हम तुम्हें और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बेस्ट बनाएंगे। अब रोली विंकलर को भी और ज़्यादा ग्रोथ चाहिए थी अपनी बॉडी के अंदर, उनको भी एक नेक्स्ट लेवल पर जाने की उनके अंदर भी एक लालसा थी, तो उन्होंने भी सोचा कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करा जाए और रोली चले गए कुवैत। 2014 में रोली विंकलर ने फाइनली कैमल क्रू को ज्वाइन करा और दोस्तों हम सबको मालूम है कैमल क्रू में ऑलरेडी बिग रैमी उस टाइम तक थे, तो यही दोनों बॉडी बिल्डर्स थे जहाँ तक है, उसके बाद फिर नाथंडे आशा वगैरह ये सब बॉडी बिल्डर्स भी आए। तो कैमल क्रू जब से रोली विंकलर ने ज्वाइन करा तब से हम सबको मालूम है कि उनकी बॉडी एक तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई और रोली विंकलर के अंदर मसल मास और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, साथ ही साथ उनकी बॉडी ज़्यादा डिफाइंड हो गई और बहुत अच्छी बॉडी हो गई। रोली विंकलर एकदम मास मॉन्स्टर वाली उनकी जो लुक थी वो तभी से आई है, हालांकि पहले भी रोली विंकलर के अंदर ज़्यादा मसल्स हुआ करती थी, पर जब से उन्होंने ऑक्सीजन जिम को ज्वाइन करा है, कैमल क्रू को ज्वाइन करा है, तब से सारी कहानी ही बदल गई। 2015 के मिस्टर ओलंपिया में रोली विंकलर 7th आए थे, जबकि 2016 के ओलंपिया में हम सब ने रोली को जब देखा था, कमाल की उनकी फिजिक थी और कितना ज़्यादा ह्यूज इंप्रूवमेंट उन्होंने कर लिया था एक साल के अंदर अंदर, और उस इंप्रूवमेंट की वजह से दोस्तों रोली विंकलर टॉप 6 कंटेंडर्स में आ गए थे ओलंपिया में, और यही कुछ उन्होंने 2017 में किया। तो रोली विंकलर को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है कैमल क्रू ज्वाइन करने से और उनका लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस वहीं पर ही ट्रेनिंग करने का रहा है। रोली कहते हैं कि वहाँ पर ट्रेनर्स जो हैं वो बेस्ट हैं और जो अहमद अक्सर है वो उनके वहाँ पर ट्रेनर हैं, तो वो उनके साथ साथ अहमद अशकनानी को भी ट्रेन करते हैं, साथ ही साथ 100 और क्लाइंट्स को भी ट्रेन करते हैं। रोली कहते हैं कि आज तक के बेस्ट ट्रेनर है वो अहमद अस्कर। 2017 में क्रिस कॉर्मियर भी कैमल क्रू के अंदर चले गए थे और उन्होंने ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी, बिग रैमी को उन्होंने ट्रेन करा। क्रिस कॉर्मियर ने रोली विंकलर की पोजिंग के ऊपर बहुत काम करा। हम लोगों को मालूम है कि रोली विंकलर का साइज जिस तरह से बढ़ता चला गया था, उनका गट भी बढ़ता चला गया था और उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था उनकी बैली के कारण, उनके निकलते हुए पेट के कारण, तो क्रिस कॉर्मियर ने रोली विंकलर के गट के ऊपर काम करा और काफ़ी ज़्यादा उनको पोजिंग प्रैक्टिस करवाई, जिसकी वजह से रोली विंकलर का गट अब कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट उनका गट अब ख़त्म हो चुका है, हम सब ने देखा इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो दोस्तों ये जो मिरेकल था ये सबसे पहले देखने को मिला था 2017 के इविल्स प्रैग प्रो के अंदर, जहाँ पर रोली विंकलर का स्टमक एकदम फ्लैट था, कंडीशनिंग उनकी पीक पर थी और रोली ने डेक्स्टर एक्सन साथ ही साथ विलियम बोनैक को बीट कर दिया था उस कॉम्पिटिशन के अंदर, और यही कुछ उन्होंने करा आर्नोल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया के अंदर। रोली का आज तक का सबसे बड़ा कंपटीशन है जो कि उन्होंने जीता है आर्नोल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया 2018। तो रोली से पहले कभी इतना बड़ा कोई कंपटीशन जीत नहीं पाए थे, पर उनकी इतनी अच्छी फिजिक है, उन्होंने प्रूव कर दिया कि उनका पोटेंशियल कितना ज़्यादा है डेक्स्टर जैक्सन, विलियम बोनैक और इनफैक्ट
कई लोग अभी ये भी सोच रहे हैं, मैं भी सोचता हूँ कि बिग रैमी को भी रोली विंकलर बीट कर सकते हैं, क्योंकि रोली के पास साइज़ की कमी नहीं है, उनके पास डेफिनेशन भी इनफैक्ट काफ़ी अच्छी, वो इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो अगर इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो कोई भी चीज़ फिर इम्पॉसिबल नहीं है, ये मेरा मानना है। और यही उम्मीद मैं करता हूँ कि इस साल के मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन के अंदर वो दुनिया को शॉक कर देंगे। शॉक करने का सेंस ये है कि वो सेकेंड या थर्ड प्लेसिंग लेकर आ सकते हैं। और रोली विंकलर के खाते में मैं मानता हूँ कि अभी कई सारे और बड़े बड़े टाइटल्स जाने बाकी हैं, जैसे कि आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो, जो वो शायद अगले साल जीत लें। तो देखते हैं दोस्तों रोली विंकलर अपनी लाइफ में बाकी सब कुछ कैसे करते हैं। बाकी बहुत बड़ी बात है कि इतने छोटे फ्रेम के ऊपर 5 feet 6 inches के हैं वो, और उनका वज़न ऑलमोस्ट 285 के पास वो कम्पीट करते हैं। तो इसीलिए रोली विंकलर को मास मॉन्स्टर कहा जाता है। और मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई भी बॉडी बिल्डर इतना बड़ा नहीं देखा, क्योंकि हाइट कुछ नहीं है रोली विंकलर की, उनका फ्रेम बहुत छोटा है, उस फ्रेम के ऊपर मैंने कभी इतना ज़्यादा मसल मास नहीं देखा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी शायद नहीं देखा होगा। तो रोली विंकलर को इसीलिए बीस्ट कहा जाता है। दोस्तों अगर मैं इनके स्पॉन्सर्स की बात करूँ तो रोली विंकलर की कभी BSN उनको स्पॉन्सर करा करती थी, बाद में 2016 में Yamato न्यूट्रिशन उनको स्पॉन्सर करती है तब से अब तक, और ऑक्सीजन जिम भी उनको स्पॉन्सर करता है, साथ ही साथ प्रो 10 और निबिया भी उनके स्पॉन्सर्स है। पर्सनल लाइफ की अगर मैं उनकी बात करूँ तो रोली अभी 3 बच्चों के पिता है, और 22 साल की एज में रोली फादर बन गए थे। तो उनका जो सबसे बड़ा बेटा है वो भी जिम करता है, रोली विंकलर बताते हैं कि वो काफ़ी स्किनी हुआ करता था, लेकिन अभी वो काफ़ी अच्छा खासा अपनी मसल्स को बिल्ड कर रहा है। रोली विंकलर के भाई या क्विंसी विंकलर, उनके बारे में हम सब लोग जानते हैं, वो भी कम्पीट करते हैं, और उनका इस साल का प्लान है कि वो 212 से ओपन क्लास के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। तो पर्सनल लाइफ उनकी काफ़ी अच्छी है, उनकी 2 बहनें हैं और 1 भाई है। दोस्तों रोली विंकलर अपनी फैमिली से सालों साल अलग रहते हैं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि वो कुवैत में ट्रेन करते हैं और उनकी फैमिली रहती है नीदरलैंड में। तो ये एक सेक्रीफाइस है जो कि बॉडी बिल्डर्स को करना पड़ता है, अपनी फैमिली को बॉडी बिल्डर्स टाइम नहीं दे पाते, कहीं घूमने नहीं जा पाते। तो दोस्तों बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट्स ही ऐसा है जो कि बहुत सेक्रीफाइस मांगता है, बहुत जगह पर सेक्रीफाइस मांगता है आपसे, और सारे बॉडी बिल्डर्स वो करते हैं, तो इस वजह से हमें सब बॉडी बिल्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। रोली विंकलर की अगर मैं फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ तो हम सबको मालूम है कि वो किस तरह से दिखते हैं, कितना ज़्यादा मसल मास उन्होंने कैरी कर रखा है अपने 5 feet 6 inch के फ्रेम के ऊपर। और रोली विंकलर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनके आर्म्स, उनके बाइसेप्स, उनके ट्राइसेप्स और उनके शोल्डर्स। तो आज तक के बेस्ट आर्म्स उनके माने जाते हैं। कई लोग पूछते हैं उनका साइज़ वगैरह बताओ, तो दोस्तों साइज़ का तो यह है कि साइज़ तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन एक अंदाज़ा अगर मैं लगाऊं तो उनका आर्म साइज़ जो होगा वो ऑलमोस्ट 23.5 inches का होना चाहिए, जितने बड़े उनके आर्म्स हैं, और चेस्ट साइज़ उनका ऑलमोस्ट 57 inch होना चाहिए। तो यही है, और लेग्स वगैरह का वही 32-33 inches के, इतने लेग्स तो होते ही हैं बॉडी बिल्डर्स के, तो यही साइज़ है। बाकी ऑल ओवर रोली विंकलर एक बहुत ही अलग टाइप के बॉडी बिल्डर है जो कि आज से पहले हमने नहीं देखे, और कुछ चीज़ें जैसे कि आर्म्स, उनके पास ऐसे आर्म्स है जो कि वर्ल्ड में आज से पहले हमने कभी नहीं देखे। तो बस दोस्तों यही थी कंप्लीट कहानी रोली द बीस्ट विंकलर की। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनानी है ये भी आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। तो बस दोस्तों अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।